इंदौर में फैलता लगातार कोरोना संक्रमण के बाद आज इंदौर जिला प्रशासन के मुखिया मनीष सिंह जी ने आज यहां पर एक कोविड कमांड सेंटर जो बनाया गया है उसका दौरा किया। कोविड कमांड सेंटर में उन्होंने तमाम अधिकारी और जो डॉक्टर्स हैं उनका यहां पर एक उनकी जो बैठक ली और उनके द्वारा जो बताया गया है कि किस प्रकार से हम यहां पर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जिस प्रकार से यहां पर जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो फैलाव है उसको रोकने में क्या कदम हम उठा रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ पर उनसे ली। और उसी के साथ साथ कोविड कमांड सेंटर में जो कॉल सेंटर बनाया गया है जहाँ पर जितने भी जो मरीज़ हैं जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी एक लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में उनके नंबर होते हैं, उसी के साथ उन नंबरों पे फ़ोन लगाकर उनसे संपर्क किया जाता है कि अभी फ़िलहाल में किस प्रकार से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और यही बात है कि जो इंदौर में अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में हैं जिनका घर पर ही इलाज लगातार जारी है और उसी के साथ जो वीडियो कॉलिंग के जरिए भी यहाँ पर उनसे बात की जाती है कि किस प्रकार से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका पल्स ऑक्सीमीटर कितना है, आपकी कितनी पल्स है, उसी आधार पर यहाँ पर पूरी जो है उनका पूरी तरीके से देखा जाता है किस प्रकार से इलाज उनका हो रहा है। उसी के साथ इंदौर जिला कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि इंदौर में रात्रि 10 बजे मतलब 10 बजे किसी भी हालात में दुकानें बंद होगी, उसके पहले ही दुकान बंद करने की तैयारी कर लें क्योंकि अब धारा 151 में यहाँ पर जो दुकानदार है जो लोग हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होती है उसको प्रभावित करते हैं उनके ऊपर 151 की कार्रवाई की जाएगी और उनको यहाँ से जेल भेजा जाएगा। कल इस प्रकार से इंदौर में रात्रिकालीन कर्फ्यू की शुरुआत हुई, काफ़ी लोगों को यहाँ पर परेशानियों का सामना तो करना पड़ा लेकिन जिस प्रकार से रात्रि 10 बजे सारे मार्केट दुकानें और सभी प्रकार के जो व्यवसाय थे उनको बंद करने का यहाँ पर पुलिस ने बीड़ा उठाया था और पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर यहाँ पे लगातार मुस्तैदी से सभी दुकानों को बंद करवाने में सफल भी हुई। हालांकि कुछ जगहों ऐसी शिकायतें मिली थी कि जो व्यापारी हैं उन्होंने विरोध भी किया है कि अभी कोरोना संक्रमण जो है इतनी तादाद में नहीं फैला, लेकिन जिला प्रशासन ने साफ़ कर दिया है कि अब जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। उस बीच ना कोई व्यवसाय संचालित होगा, ना दुकानें खुलेगी, ना मार्केट खुलेगा और सबको 10 बजे तक किसी भी हालत में दुकान बंद करके अपने घर की ओर निकलना है। एक अफवाह और इंदौर में यहां पर फैली थी, जिस वक्त इंदौर जिला कलेक्टर को इसकी सूचना मिली कि इंदौर जिला कलेक्टर ने यह कहा है कि शनिवार और रविवार को इंदौर में लॉकडाउन रहेगा, उसका भी खंडन यहाँ पर किया गया। इंदौर जिला कलेक्टर ने साफ किया है कि ये इस प्रकार का कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है और अब जो है इंदौर में किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं रहेगा, चाहे रविवार हो शनिवार हो उसको लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ रात्रि को 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक पूरा मार्केट जो है बंद रहेगा और कर्फ्यू रहेगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।